वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल माई नेम एस निधि और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एन बी की जो एग्जाम आपका था उसके रिगार्डिंग बहुत से बच्चों के मुझे मेल रिसीव हुए कि एग्जाम हो चुका है क्योंकि ना गूगल पे जब हम सर्च कर रहे हैं तो उसमें जो डेट दिखा रहा है वो कुछ और दिखा रहा है तो बहुत डाउट आ रहा है कि एग्जाम हो चुका है और आपने बताया नहीं नोटिफिकेशन आउट हो चुका तो ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे पहले तो मैं आपको डेट वगैरह दिखा देती हूँ आप स्क्रीन पे देख सकते हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो ना पुराना पड़ा हुआ है उनके पास में जो टेंटेटिव है अभी जो हाल मतलब जो हम नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी ऐसा कोई भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी न्यूज नहीं आई है आपका एग्जाम जहां तक है आपको नवंबर अराउंड देखने को मिल जाएगा नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा तो टाइम भी आपके पास में इतना ज्यादा नहीं है आप जितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए उतना आपके लिए अच्छा क्योंकि इस बार इस, इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी कॉम्पिटिशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है ओके लास्ट टाइम तो इसका कॉम्पिटिशन इतना नहीं था बट अब इसका कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ ना मोस्ट बहुत बच्चे इस एग्जाम इस पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए इतना ज्यादा वेट कर रहे हैं और बहुत बच्चे डालेंगे इस एग्जाम का फॉर्म तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए अभी से करना स्टार्ट करिए ताकि आपको दिक्कत ना आए जब आपका एग्जाम हो ओके okay. तो अब इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स और रीजनिंग का बता देती हूँ रीजनिंग में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग अलग अलग उसमें आएगा तो फिर आपका जो दोनों को अगर हम देखें तो आप पूरा इसे कवर कर सकते हैं वाई स्टडी करके जो चैनल है उसमें जो दीपक सर के वीडियोज हैं एंड वी को लेकर सर्च मत करना ठीक है आप सिर्फ उसमें आप रीजनिंग करके डाल दीजिएगा दीपक सर की जो भी टेस्ट सीरीज है वो आपको आ जाएगी वहां पे टॉपिक सेम ही रहते हैं कंसेप्ट क्लियर करके अपने टेस्ट दीजिए जितना आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट आप जितना अच्छा अच्छे से लगाएंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको समझ में आएंगी चीजें समझ रहे हैं तो आपको सिर्फ ये है कि अपने बेसिक्स को वहां से क्लियर करना है देन उसके बाद में मॉक टेस्ट को लगाना है ये आपका रीजनिंग का हो गया रीजनिंग में भी काफी सारे टॉपिक्स हैं मैंने सिलबस ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजा हुआ था अगर आपको नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए सर्च पे एनवीई सिलेबस करके डालिए आपके पास में सिलबर्स आपको मिल जाएगा ओके देन इसके बाद आते हैं क्वांट का क्वांट कैसे करें तो फील फ्री टू लर्न करके एक चैनल है आप इनसे बेसिक्स अपने क्लियर कर सके बहुत अच्छे से समझाया हुआ है तो आप अपने बेसिक्स क्लियर करने पर ध्यान दीजिए ठीक है फील फ्री टू लर्न है आपका अड्डा टू फोर्टी सेवन चैनल है आपका ठीक है यहां से सिर्फ आपको अपने बेसिक क्लियर करके अपने टेस्ट पे चले जाना है और टेस्ट को दीजिए जितना आप दे सकते हैं जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा समझ रहे हैं और जैसे ही नोटिफिकेशन आते जैसे ही कोई डेट आती है आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑन दिस चैनल तो आप उसके लिए मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और उससे पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसी कोई भी न्यूज आएगी आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाई या मैं शॉर्ट के थ्रू करूं या फिर मैं वीडियो के थ्रू करूं मैं शेयर करूंगी क्योंकि बहुत बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं ओके okay, तो आप इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करिए अभी मैंने रीजिंग और क्वांट का बताया आपको आप कैसे कर सकते हैं तो इन दोनों ही मतलब जो भी मैंने चैनल आपको सजेस्ट किए हैं इन पे आप विजिट करके देखिए आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा है देन मैं और एक्सप्लोर कर, कर रही हूं अगर और कुछ मुझे ढंग के चैनल लगेंगे आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज ओके सो होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अभी हाल ही में और भी एग्जाम्स निकले हुए हैं जिनका सिमिलर सिलेबस है और मैं उस भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ ताकि आपको एक समझ में आए कि हम कौन कौन से एग्जाम अभी दे सकते हैं एक साथ दे सकते हैं उन एग्जाम्स को आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है की एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको एक बार अपने जो कॉमन सिलेबस है उसको अच्छे से कर लेना है और उसके थ्रू आप फिर एग्जाम को डाल सकते हैं एग्जाम के फॉर्म वगैरह डाल सकते हैं ओके okay? सो so, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर हेल्पफुल रहता है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज बाई